नमस्ते दोस्तों, मैं राजवीर सिंह आपका एक बार फिर से एक नए वीडियो में, और ये बहुत ही बढ़िया वीडियो हो रहा है। थोड़ा सा लेट इसलिए हो रहा है क्योंकि आप जानते हैं ना, थोड़ा सा होली का फेस्टिवल था, थोड़ा सा इधर उधर लोग घूमते हैं, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इधर उधर अपने गाँव में जो है घूमने चले गया था, ठीक है। तो आज का इस वीडियो में बहुत ही अच्छा एक चीज़ लाने वाला हूँ जिसका बहुत देर से आप लोग इंतजार कर रहे थे। मतलब आप कह रहे थे सर बहुत सारे यूट्यूबर्स दे रहे हैं, आप इसको क्यों नहीं दे रहे हो, है ना। तो इसके लिए जो है आज हमारा जो ये वीडियो मेन होने वाला है ना। कई लोग स्क्रीन देख के समझ गए होंगे, कई लोग नहीं समझे होंगे, बाद में समझ जाएंगे, ठीक है। तो हेलो दोस्तों, जो लोग नए हैं मेरे बारे में नहीं जानते हैं, जान जाओ मेरा नाम है राजवीर सिंह और ये हमारा यूट्यूब चैनल है IM36.com, हमारा डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है, ठीक है। यहाँ पे आपको अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए या फिर कहें कि आप अगर आप खुद तो करते हैं, खुद अगर आप कंप्यूटर वगैरह यूज़ करते हैं तो आप खुद से हमारे पास से कुछ टूल्स वगैरह खरीद सकते हैं जिससे आप खुद की मार्केटिंग कर सकते हैं या फिर अपनी जो मार्केटिंग है आप हमसे करवा सकते हैं, ठीक है। हमारा पूरा जो भी लिस्ट है यहाँ पे सर्विसेज है, सारा चीज़ जो है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। आप इस हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और एक बार इसको आगे मतलब एक एक वीडियोस को ध्यान से, है ना। मैं वीडियो देखिए थोड़ा लंबा इसीलिए होता है क्योंकि हम क्या प्रैक्टिकल वीडियो बनाते हैं, है ना। और फिर जैसे मान लीजिए आप कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह हमसे खरीदने आए तो बोलेंगे कि सर डेमो दे दो, ये दे दो, तो इसलिए हम क्या है डायरेक्ट जो है हम वीडियो एक लंबा चौड़ा बना लेते हैं कि हमको बार बार जो है आपको डेमो देने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं ना। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब पहले ही कर देना, है ना, क्योंकि वीडियो अच्छा होता ही है, सब जानते हैं ना। तो देखिए ये हमारा एक बैनर का लोगो हो गया, है ना। अच्छा तो देखिए आज हम लोग मेन जो चीज़ बताने वाले हैं आपको, मेन जो चीज़ लाने वाले हैं वो IVR मशीन के बारे में है। IVR मशीन को, है ना, बहुत सारे यूट्यूबर्स इसको सेल कर रहे हैं, है ना। तो IVR मशीन के बारे में बता देता हूँ आपको, क्या है, कैसा है, इसका क्या प्राइसिंग होता है, जो रियल कॉस्टिंग करता है। बहुत सारे यूट्यूबर कुछ आपको ज़्यादा ही रेट में बेच रहे होंगे इसको, है ना। तो IVR मशीन को क्या कहा जाता है, ऑटोमेटिक लीड जनरेट करने वाली मशीन। मतलब अगर आपको मान के चलिए एक मैं लिस्ट दे दिया, मान लीजिए मैं आपको 100-200 नंबर का लिस्ट दे दिया, है ना, और मैं बोल दूंगा कि भाई हमारे पास नया प्रोडक्ट है, है ना, किसी मतलब किसी टेलीकॉलर को बैठा लेंगे, किसी लड़की को, है ना, जॉब में बैठा लेंगे और हम उसको बोलेंगे कि सबको कॉल कर करके बोलो ये प्रोडक्ट हमारे पास आ गया है। तो देखिए अब लड़की का तो काम है, वो तो बोलेगी जॉब कर रही है ना, लेकिन उतना एफिशिएंट वे में नहीं बोल पाएगी, ये चीज़ ये हो गया, ठीक है। अच्छा और एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे हमको चाहिए है कि हमको किसी को टेक्स्ट SMS करता है, जैसे हमारे सिम में मिलता है, जैसे 2 सिम है तो 100-100 SMS मिलता है, है ना। तो हम कभी उसका मैसेज का यूज़ नहीं कर पाते हैं, हम उसको एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज़ नहीं कर पाते हैं। ऐसे बहुत सारा फीचर्स जो है इस मशीन में मिल जाता है। मैं आपको कुछ मशीनें दिखा देता हूँ, है ना। इस तरह का एक मशीन आता है, ठीक है, सिंपल सा मशीन है। इसमें 2 मॉडल्स आते हैं, मैं आपको मॉडल्स भी दिखा दूँगा, है ना, एकदम सिंपल सा मशीन है। तो आप इस मशीन को देख के भी इस रेट का अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है, कोई बहुत भारी मशीन नहीं है, ठीक है। तो इस मशीन को देख करके भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। ये देखिए जाएगा टेस्टेड, ओके का सील लगा होगा दोनों तरफ में। यहाँ पे हम लोग सिम घुसाते हैं ऐसे, ठीक है। देखिए मैंने ऑलरेडी सिम घुसाया हुआ है ना, ऐसे सिम घुसाया था, सिंपल सा चीज़ है ना, ऐसा मशीन आता है। तो इसके बारे में और भी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, है ना। देखिए इसमें 2 मॉडल आते हैं, एक एडवांस मॉडल, एक आता है टर्बो IVR मॉडल, ठीक है। 2 ही मॉडल आते हैं, और भी लोग इधर उधर के कुछ बैटरी जोड़ देगा, कोई कुछ जोड़ देगा, है ना। 50 मॉडल बना रखे हैं मार्केट में, है ना। कुछ लोग हैं जो मार्केट में थोड़ा सा ना इधर उधर की भी चीज़ें बेच रहे हैं, तो उनसे आपको थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है, ठीक है। 2 मॉडल बता दिया मैंने, एक एडवांस मॉडल आता है, देखिए नॉर्मल सा चीज़ है, 2 मॉडल है, थोड़ा लोकल रहता है, वो थोड़ा सा ऊपर का रहता है ना। लोकल कहने का मतलब है थोड़ा सा उसमें फीचर्स कम है और इसमें ज़्यादा रहती है। एडवांस और टर्बो, देखिए हमारी तरफ से अगर आपको भेजा जाएगा तो देखिए पीछे में एडवांस बकायदा लिखा होगा और टर्बो यहीं पर लिखा होगा, ठीक है, और कुछ लिखा नहीं रहेगा। अच्छा इसके फीचर्स मैं आपको समझाया था, मैं अभी आपको सेटअप करके दिखाऊंगा कैसे लगाते हैं, कैसे जोड़ते हैं, आपके घर में डिलीवरी जाएगा कैसे दिखता है, उसके बाद से ये मेन कैसे दिखेगा, फाइनली आपको कैसे दिखेगा, ये चीज़ आपको घर में मिलेगा कैसे मिलेगा। उसके फीचर्स में बताया जाता हूँ, देखिए क्लिक टू कॉल डायलर, ठीक है। इसमें मशीन में हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे वायर दिया हुआ है, इसमें हम लोग टेलीफोन वायर लगाते हैं और उसको हम लोग कनेक्ट करते हैं, ठीक है। अब मान के चलिए हमको नंबर डायल करना है, तो सारा काम हमने सॉफ्टवेयर पे छोड़ दिया है। तो हम जैसे हम लोग मोबाइल में डायलर खुलते हैं ना, 1 2 3 से लेकर 9 तक, वैसा ही सेम डायलर एक खुलता है सॉफ्टवेयर में हमारे। मैं आपको अभी सब वीडियो दिखाऊंगा। तो डायलर में आप वहीं पर टाइप करेंगे, वहीं पर इंटर मारेंगे ना, तो कॉल जाना स्टार्ट हो जाएगा, फिर हम लोग टेलीफोन से बात कर सकते हैं। ये हो गया ऑटो डायलर, जैसे मैंने बताया कि हमें मान के चलिए 50 लोगों को कॉल करना है, 100 लोगों को कॉल करना है,
लेकिन नंबर बार बार टाइप ना करना पड़े, समझ गए, नंबर टाइप करने का झंझट खत्म हो जाए, बस उनको कॉल लगता रहे, हम लोग बात करते रहे, समझ गए। इससे आप अपने लीड्स का फॉलोअप कर सकते हैं, तो ये जो चीज़ है आपके लिए काम आएगा कि नंबर सेट कर दो, ऑटो कॉल सेट कर दो, सबको जो है कॉल जाता रहेगा, ठीक है। वॉइस ब्रॉडकास्टिंग क्या बताया मैंने, इसमें क्या होता है 30 सेकेंड का 40 सेकेंड का एक ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं, 1000 लोगों का नंबर डालते हैं, फिर जो मशीन है ना ऑटोमेटिक सबको कॉल करती है, ठीक है। उसके बाद से जो 30 सेकंड का ऑडियो है वो भी प्ले हो जाता है। जैसे मान के चलिए हमारे महाराजा चौक में रायपुर में एक ये खुल चुका है, क्या खुल चुका है, एक दुकान खुला है, बढ़िया सा केक का दुकान खुला है, फ्री में केक दिया जा रहा है, आप हमारे पास आइए टेस्ट करके जाइए, एक आपने एक ऑडियो बना दिया, ठीक है। तो आप अपने इलाके के लोगों को मान के चलिए कॉल करके भेज रहे हैं, तो उनके मोबाइल में कॉल जाएगा, फिर उनको सुनाई देगा, तो जब भी उस इलाके से गुजरेंगे तो समझ रहे हैं एक बार टेस्ट करने आपके लिए, मतलब आ सकते हैं, ऐसे आप मार्केटिंग कर सकते हैं, एक ये चीज़ हो गया। इसमें देखिए फोर्थ क्या है, IVR बेस्ड कॉल आउटिंग है, ठीक है। इसमें IVR बेस्ड कॉल आउटिंग बता देता हूँ मैं, देखिए ऐसे मान लीजिए एक ऑफिस है, छोटा सा ऑफिस है, 4-5 लोग काम करते हैं, है ना, तो नंबर तो कहीं भी हम लोग एक ही देते हैं कि भाई इस नंबर पर कॉल करो, कॉल करने वाला क्या करेगा, बचता है कि सेल के लिए 1 दबाएँ, है ना, फॉर सपोर्ट प्रेस 2, लैंग्वेज चेंज, ये सब चेंज। इसलिए इसमें सब क्या होता है, बहुत सारे लोग बैठे हैं तो उनका हम नंबर डाल देंगे, तो ऑटोमेटिक जो है कॉल जो है उनके पास रीडायरेक्ट हो जाती है, कस्टमर 1 दबाया सेल के लिए तो सेल के पास, सपोर्ट के लिए तो सपोर्ट वाले के पास जाता है। ये जो चीज़ जो है आप इसमें भी कर सकते हैं। टेक्स्ट मैसेज बताया मैंने, जैसे हमारे पास मोबाइल में 2 सिम आता है, एक जियो का एक एयरटेल का, दोनों में 100 SMS मिलता है, हम लोग लेकिन यूज़ तो कर नहीं पाते हैं ना, लेकिन मान के चलिए आपके पास 5 मोबाइल है, है ना, 5 मोबाइल है, और फिर क्या बोलते हैं सब में 2-2 सिम है, है ना, 5 मोबाइल नहीं भी है तो एक मोबाइल खरीदिए आप, है ना, उसको आप इसी यूज़ के लिए बनाइए। 10 सिम तो आप खरीद ही सकते हैं, सीधा सीधा है, उसमें आप रिचार्ज करा सकते हैं तो करा लीजिए, पोस्टपेड का सिम, प्रीपेड का सिम, और एक से सिम से 100, यानी अगर 10 सिम है तो 1000 मैसेज आप डेली भेज सकते हो, भी टेक्स्ट SMS। याद रखिए व्हाट्सअप मार्केटिंग और वॉइस कॉलिंग से सबसे जो तगड़ा होता है ना टेक्स्ट SMS का ही होता है, उसमें रिस्पॉन्स ज़्यादा आता है, तो उसको आप कर सकते हैं, है ना, बल्कि ईमेल लो कुछ भी लो, टेक्स्ट SMS जो है बहुत ही, मतलब उसको लोग देखते ही देखते हैं, इतना आप इंश्योर कीजिए, है ना। अच्छा, इसमें देखिए एक वॉइस मेल का ऑप्शन, जैसे मान के चलिए 6 बजे के बाद अगर किसी ने कॉल किया तो हम सेट कर सकते हैं कि भैया ऑफिस बंद हो चुका है, कल कीजिएगा, ठीक है, ऑफिस टाइमिंग इज़ फ्रॉम 10 AM to 6 PM, ऐसा करके जो है हम इसमें सेटिंग कर सकते हैं। और रिकॉर्डिंग भी, जितने कस्टमर बात करेंगे, मान के चलिए आपका बड़ा ऑफिस है, है ना, आपके एम्प्लॉयज ने क्या क्या बात किया, उसका जो है रिकॉर्डिंग जो है पूरा इस डिवाइस में रहेगा, है ना। तो जो हमारा बेसिक डिवाइस आता है, जो एडवांस मॉडल, उसमें नहीं मिलेगा, टर्बो मॉडल में जो है आपको ये फीचर्स देखने को मिल जाता है। ये फीचर्स क्या है, फीचर्स आने का क्या है, कभी कभी सॉफ्टवेयर भी अपडेट होता है तो फीचर्स आ जाएगा, आना होगा तो, लेकिन जो रिकॉर्डिंग फीचर है वो फीचर जो है आपको टर्बो वाले में मिलेगा, एडवांस में नहीं मिलेगा, ठीक है। 2 मॉडल बताया मैंने, एक एडवांस एक टर्बो, ठीक है। उसके बाद से अच्छा, मैं अभी फीचर्स वगैरह मैंने बता दिया आपको, डिवाइस भी मैंने आपको दिखा दिया, छोटा सा डिवाइस है, कोई बहुत बड़ा डिवाइस नहीं है, ठीक है। इसको मैं अभी जो है एक वीडियो आपको इसके बाद बता देता हूँ, यानी वीडियो आपको बना देता हूँ कि आपके घर में जो पैसे पहुँचेगा, पैकिंग पर कैसे पहुँचेगा, मतलब कैसे दिखेगा, ठीक है। इसके बाद जो वीडियो रहेगा उसमें मैं आपको पूरा सेटअप करके दिखाऊंगा, कैसे जो है जोड़ते हैं डिवाइसेस, जो वायर्स मिलेंगे आपको इसके साथ में ना, वायर्स मिलेंगे कहाँ, किसको किसको डालना है। उसके बाद से इस सॉफ्टवेयर का जो है मैं पूरा प्रैक्टिकल करके मैं बता दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं इस पूरा प्रैक्टिकल वीडियो के बाद, तो अगले आप ये अगला वीडियो देखिए। दिल यहाँ आने दिल यहाँ।
I've tried and tried a million times. A million times. La-da-da-dee-da, la-da-da-dee-da, la-da-dee-da-da. Cross my heart and hope to die. Welcome to my dark side. Aajasanam, asar chandni mein hum, tum mile to virani mein bhi aa jayegi bahar. Tum lagega atma, tum lagega atma. तो चलिए दोस्तों, एक बार ना सॉफ्टवेयर को हम लोग खोल के देख लेते हैं कि सॉफ्टवेयर जो है वो थोड़ा सा दिखता कैसा है। तो मैं सॉफ्टवेयर को जो है खोल लेता हूँ एक बार, है ना, देखिए खुल रहा है सा। तो ऑटोमेटिक जो है ये लॉगिन होता है, ठीक है। मैं आपको सेम सॉफ्टवेयर देंगे, है ना। बाद में कुछ सॉफ्टवेयर में अपडेट वगैरह आती हैं तो वो भी जो है साथ में फ्री मिलता रहेगा आपको, है ना। ये जो हमारा डिवाइस है 1 ईयर के साथ आपको दिया जाएगा, है ना। 1 ईयर के साथ कुछ भी अपडेट होगा, रिप्लेसमेंट होगा, पूरा डायरेक्ट रिप्लेसमेंट होगा, है ना। कुछ भी दिक्कत आती है, ठीक है। ये होम हो गया। अच्छा, ये देखिए स्क्रीन पे क्या दिखेगा, जो होम है ना, होम पे यहाँ पे हम जितने कॉल्स करते हैं यहाँ पे, उधर से कुछ कॉल्स आती हैं वो यहाँ पे जो है दिखता है, ठीक है। जैसे मिस कॉल्स आएंगी तो रेड में दिखेगा, कुछ कॉल्स वगैरह डायरेक्ट कॉल में बात हो जाता है तो ऐसा ग्रीन दिखेगा, हम इधर से करेंगे वो ब्लू दिखेगा, ठीक है। तो ये हमारा पहला, ये जो एक डैशबोर्ड हो गया, इसको हम लोग डैशबोर्ड बोल सकते हैं। देखिए ये हमारा जो सॉफ्टवेयर है अभी, ये वर्ज़न 5.0 है, ठीक है। अभी लेटेस्ट वर्जन चल रहा है, इसके आगे भी वर्जन आते रहेंगे तो हम आपको जो है देते रहेंगे, ठीक है। क्लिक टू कॉल में जाते हैं और यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। नॉर्मल जैसे मैंने वीडियो में बताया आपको, ये एक तरह से डायलर है ना, जैसे हम लोग कहीं भी नंबर लगाते हैं, जैसे किसी का भी नंबर मैं लगाता हूँ, जैसे कि अपना ही नंबर लगाता हूँ मैं, वैसे तो ये नंबर शायद स्विच ऑफ है, अब एंटर दबा देंगे डायरेक्ट, है ना। तो एक तरह से फ़ोन की तरह हो गया, इससे फिर क्या है, डायरेक्ट जो है कॉल जाना स्टार्ट हो जाएगा। और वैसे तो ये नंबर स्विच ऑफ है, देखते हैं क्या होता है फिर, है ना। कॉल जाना स्टार्ट हो जाता है और फिर देखिए ये आ गया, और फिर आपका जो वो है, देखिए समझ गए, ये जो है कॉल करने की कोशिश करने लगा, कौन, हमारा टेलीफोन, ठीक है। तो मैं अभी आपको पूरा वीडियो में बताया ना मैंने कि कैसे कैसे मैं टेलीफोन में कनेक्ट किया, कैसे क्या किया। तो यहाँ से आप जो है इसको क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और है यहाँ पे, ये हो गया, मतलब क्लिक टू कॉल में ज़्यादा कुछ जानने का नहीं है, ऐसा नॉर्मल सा है, हम लोग कॉल करेंगे, ठीक है। मतलब मेन इसको कॉल से मतलब एकदम फटाफट आपको नंबर डालना है और एंटर मारना है, या फिर यहाँ कॉल पे क्लिक करेंगे तो कॉल्स हो जाएंगे, रिसेंट कॉल्स और फ्रीक्वेंस कॉल आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से देखिए ये कि ये हमारा है ऑटो डायलर। ऑटो डायलर में क्या होता है, हम क्या करेंगे, जैसे मैं दिखा देता हूँ, मैनेज कॉन्टेक्ट्स में जाएंगे, डिलीट ऑल, है ना, ठीक है। यहाँ पे होता क्या है कि जैसे मांगे, चलिए हमको 10 लोग से बात करना है, ठीक है। 10 लोग से क्या करना है, बात करना है, है ना। और हमने एक टेलीकॉल को बैठा रखा है, है ना, हमको मतलब बात ही करना है उनसे। मतलब जैसे मान के चलिए मेरे 10 क्लाइंट्स कल आए थे और उन्होंने मुझसे कुछ कहा था कि वो सॉफ्टवेयर वगैरह मुझसे लेंगे, है ना। तो हम जो है उनके लिस्ट बना सकते हैं, एक लिस्ट बनाने का जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जैसे हमारा मान के चलिए एक भी कुछ भी एक्सेल फाइल लेंगे और हम इसको जो है क्या करेंगे, एक लिस्ट बना देते हैं, है ना। हम मान के चलिए यहाँ रखेंगे इसको, है ना,
ठीक है, ये नंबर हो गया 1 2 3 4 ऐसे कस्टमर लोग का नंबर है, यहाँ पे रहेंगे। और याद रखिएगा जनरल में ही रखिएगा आप इसको, है ना, 911 नहीं लगेगा, नॉर्मल ऐसा ही रहेगा, है ना। काट देते हैं हम। अच्छा, इसको जो है हम लोग अपलोड करने की कोशिश करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, कॉन्टेक्ट को अपलोड करेंगे। मैनेज में जाएंगे, सेलेक्ट फाइल में जाएंगे, डेस्कटॉप में जाके रिकॉर्डिंग चल रहा है ना, चल रहा है, ठीक है। हेलो जी वाला जो फाइल है कहाँ पे है हमारा, ये रहा हेलो जी फाइल, ठीक है। उसके बाद से स्टार्ट रो क्या था हमारा, 1 था, है ना, फर्स्ट था ना। और नंबर कौन से वाले कॉलम में है हमारे, ये वाले में है। अपलोड कर देते हैं। देखिए यहाँ पे जब अपलोडिंग दिखाएगा ना तो समझ जाइएगा कि ये जो है काम कर रहा है ठीक से। और अगर कुछ दिक्कत आएगा तो वो तो हम लोग आपको बताएंगे ही, है ना। लेकिन अपलोडिंग लिखाएगा मतलब ये जो नंबर अपलोड हो गया है ना, ये मैंने ऑलरेडी टेस्ट किया हुआ था पहले का भी, है ना। उसके बाद से हम क्या करते हैं, जैसे डिले आप सेट कर सकते हैं 5 सेकेंड 10 सेकेंड, है ना, अपने हिसाब से। तो हम कर देते हैं जैसे 15 सेकेंड, ठीक है। उसके बाद से स्टार्ट जो है डायलिंग पे क्लिक कर देंगे, तो ये 1 by 1 सबको कॉल करेगा, समझ गए, सबको कॉल करेगा। हमको जो है टेलीफोन उठाना है, है ना। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। देखिए मैंने जो है कॉल को उठाया और कॉल को क्या कर दिया, कट कर दिया, है ना, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे स्टेटस क्या आ गया, रेड आ गया, यानी उनको कॉल नहीं किया। अभी क्या है, सेकेंड वाले लोग को कॉल करेगा, उसको ऐसे थर्ड मतलब कॉल करेगा, बात होगा, फिर आप फ़ोन रखेंगे, ऑटोमेटिक कॉल लगना स्टार्ट हो जाएगा। मैं इसको स्टॉप ही कर देता हूँ, ठीक है। तो देखिए ये क्या है, हमने ऑलरेडी इसको सेट करके रखा है, तो शायद कॉल करता ही रहेगा। हम लोग इसको 2 मिनट स्टॉप कर ही देते हैं अब, ठीक है, स्टॉप हो गया हमारा। मतलब ये समझ गया ना आपका, इसका यूज़ क्या था, ठीक है। इसको आप जितना लगा देंगे, क्या बोलते हैं, लिस्ट बनाइए, स्टार्ट डायलिंग पे कीजिए, कॉल जाते रहेगा। बस आपको क्या करना है, बात करना है कुछ, अगर मतलब कुछ भी बात करना है, लेकिन आपको यहाँ से बात करना है, उसके लिए बहुत ही अच्छा है। इसको देखिए यहाँ पर सीधा समझा देता हूँ। डिलीट आंसर, डिलीट, समझ गए, इसे क्या है, डिलीट डायल, जो डायल हो चुका है डिलीट कर दे। डिलीट आंसर, जिसमें बात हो चुका है उसको डिलीट कर दो। डिलीट ऑल से आप जो है यहाँ से डिलीट ऑल कर सकते हैं, ठीक है। कुछ और यहाँ पे जाने लायक नहीं है। ये हो गया हमारा कौन सा, ऑटो डायलर हो गया। उसके बाद से हम देखते हैं वॉइस ब्रॉडकास्टिंग। वॉइस ब्रॉडकास्टिंग मतलब क्या है, मुझे कुछ चीज़ें हैं जिसको क्या करनी है। मान के चलिए मैं 30 सेकेंड का एग्जांपल दिया ना मैंने आपको, जैसे आपका कुछ केक का दुकान खुला है आपके एरिया में, आपके सिटी में, तो आप जो है आपके एरिया के 10,000 लोग को कॉल करके बताना चाहते हैं, है ना, कि वो आएँ और फ्री में टेस्ट करके जाएँ। मतलब कुछ भी एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, तो आप क्या करेंगे, टाइमिंग क्या रखेंगे, वही अपना 30 सेकेंड 10 सेकेंड 15 सेकेंड रखेंगे, है ना। और उसके बाद से कॉन्टेक्स्ट को क्या करेंगे, अपलोड करेंगे यहाँ से, है ना। मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुका है, मैंने अभी जैसे बताया आपको। उसके बाद से आप क्या करेंगे, एक चीज़ और, अपलोड कॉन्टेक्ट करेंगे यहाँ पे। अपलोड कॉन्टेक्ट करने के बाद रुक जाइए, है ना, यहाँ पे क्योंकि मेन हमको ऑडियो भेजना है ना, तो चेंज ब्रॉडकास्ट फाइल में जाएंगे, और यहाँ पे आपको एक ऑडियो जो है लेना पड़ेगा, है ना। आपको ऑडियो यहाँ पे कुछ ना कुछ डालना पड़ेगा, है ना, MP3 में ऑडियो रहेगा। 30 सेकेंड या 40 सेकेंड भी आप रख सकते हैं, लेकिन 30 सेकेंड ही रखिएगा, ठीक है। उसको जो है यहाँ पे आप जो है अपलोड कर दीजिएगा, समझ गए। उसके बाद से नंबर अपलोड हो गया, सब चीज़ हो गया, और जो है आप हम क्या करेंगे, स्टार्ट कर देंगे। ये तो ऑलरेडी मैं कॉल कर चुका हूँ, समझ गया ना। वो आपके में यहाँ पे दिखा देगा कि कॉल जाना जो है स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। मैं स्टॉप कर देता हूँ, जो है 1 by 1 जो है सबको जो है कॉल जाना स्टार्ट कर देगा, यहाँ पे जो भी हम टाइमर वगैरह रखेंगे उसके हिसाब से, ठीक है। क्या थोड़ा सा ना, क्या है, हम लोग स्टार्ट कर दिया है तो थोड़ा सा हैंग होता है, हैंग नहीं कहना चाहिए, मतलब थोड़ा सा ना मतलब पीछे साइड में प्रोसेस चलता होगा इसका। स्टॉप तो कर दिया भाई, देखते हैं इसको थोड़ा सा, इसको स्टॉप होने देते हैं, ठीक है। आप यहाँ से भी कट कर दीजिएगा, क्या है ना, एक बार वो प्रोसेस में चला जाता है, ठीक है। ये हो गया हमारा वॉइस।
एक होता है IVR। IVR का मतलब क्या है, जैसे मान के चलिए आपके ऑफिस में 5 लोग हैं, सबका अपना अपना काम है ना, तो हम यहाँ पे 5 फोन का सेट कर देंगे। यहाँ पे हम स्टार्टिंग में जो ऑडियो अपलोड करते हैं ना हम लोग फॉर पे मतलब मान के चलिए फाइल रहेगा हमारा है ना, और क्या बोलते हैं प्रेस 1 फॉर हिंदी, प्रेस 2 फॉर इंग्लिश है ना। उसके बाद से जैसे देखिए इसमें लेकिन ये क्या है, बेसिक डिवाइस है ना, बेसिक एडवांस मॉडल है, तो इसमें आपको एक ही फाइल डालने को मिलेगा, लेकिन जो आपको टर्बो मोड दिया जाता है उसमें बहुत सारी आप ऑडियो को भी चेंज कर सकते हैं, समझ गया। इसमें आपको बस एक ही मिलेगा, किसमें, एडवांस वाले में, ये भी एक इसमें फीचर जो है कम है, ठीक है। तो आप फाइल चूज करके आप इसमें इतना कम से कम रख सकते हैं कि फॉर सेल प्रेस 1, फॉर सपोर्ट प्रेस 2, फॉर ये फॉर वो है ना, आप यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। और 5 लोग का है तो 5 लोग को नंबर डाल दीजिए, तो जब बंदा 1 प्रेस करेगा तो इसके पास कॉल चले जाएगा, 2 प्रेस करेगा तो इसके पास चले जाएगा, 3 प्रेस करेगा तो इसके पास कॉल चले जाएगा, मतलब आपस में कॉल जो है डिवाइडेड हो जाएंगी, है ना। एक ये चीज़ हो गया। देखिए नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज का है, ये क्या है, ये अभी अपडेट में है, ये जो मैसेज वाला है ये अभी अपडेट में है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, मोबाइल नंबर डालते हैं, यहाँ पे मैसेज लिख देंगे, सेंड कर देंगे सीधा सीधा। तो ये जो मैसेज जो है हमारे जो सिम लगा होता है, हमारा जो IVR मशीन में मैंने बताया आपको सिम लगा के, उस सिम के जो थ्रू है कहाँ जाता है, वो जो है मैसेज जाता है, समझ गए। देखिए ये चीज़ हो गया है ना। उसके बाद से फ़ोन बुक देखिए, आप फ़ोन बुक में नॉर्मल है, अपन हम क्या करते हैं वो सब सेट करते हैं ना, डेटा वगैरह हम लोग सेट करते हैं ऐसे मोबाइल में रहता है ना, वैसा ही सेम सर्च कर सकते हैं आप यहाँ से वापस से कुछ भी चीज़, मतलब ये उतना काम करनी है, आप पुराना चीज़ें जो है सर्च वगैरह कर सकते हैं है ना। सेटिंग में जाके आपको यहाँ कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है, जैसा है वैसा रहने दीजिएगा है ना। तो यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, सेटिंग में जब हम जाएंगे ना, ठीक है, यहाँ सेटिंग में जाएंगे तो आपको डायल 1 पे इंटरेस्टेड लिख देना है, 2 पे नॉट इंटरेस्टेड लिख देना है, समझ गए। इसको आप क्या करिएगा, सेव कर लीजिएगा, इसका फायदा मैं बताता हूँ आपको। जब हम वॉइस ब्रॉडकास्टिंग कर रहे होंगे ना, तो वहाँ पे हम एक ऑडियो सेट कर देंगे कि भाई आप इंटरेस्टेड हो तो 1 दबाओ, इंटरेस्टेड नहीं हो तो 2 दबाओ। तो अगर बंदा इंटरेस्टेड होगा ना तो देखिए इंटरेस्टेड तो 1 दबा देगा, नॉट इंटरेस्टेड होगा ना तो वो 2 दबा देगा। तो यहाँ पे वो डिटेल भी हमको जो है दिख जाती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया है ना, ये कैसे कैसे बताया मैंने, ठीक है। और कुछ दिक्कत होगा तो हम आपको जो है एनीडेस्क से या फिर टीम व्यूअर से आपको जो है हम बता के रखेंगे, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, कैसे मैंने पूरा सेटअप एक एक चीज बता दिया। मैं एक ही वीडियो में कोशिश कर रहा हूँ बताने का कि डिवाइस आपके घर जब पहुंचे तो कुछ भी दिक्कत ना हो आपको, समझ गए। कुछ भी दिक्कत ना हो आपको, सब चीज मतलब रहता है ना कॉल करने के बाद, यहाँ से वीडियो कॉल में आपको समझाएंगे, ये वो दिक्कत ना हो, आप सब चीज़ रेडी रखें। हम क्या है, सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में सीधा डाल देंगे है ना, तो कुछ भी आपको दिक्कत नहीं होगा। तो डिवाइस का प्राइसिंग वगैरह मैं अभी यहाँ पे नहीं बताऊंगा, क्योंकि प्राइसेस कम ज़्यादा होते रहती हैं। आप डिस्क्रिप्शन में चेक करना, कोई सॉफ्टवेयर इसको 15-15 हज़ार, 20-20 हज़ार में बेच रहे हैं, तो मैं दोनों डिवाइस का, एक एडवांस का और एक टर्बो का, दोनों का मैं प्राइस जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है दोस्तों। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और फिर मिलते हैं फिर तब तक के लिए, जय हिंद।